गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वी आर कॉन्टिन्यूसली स्टडिंग चैप्टर 11 दैट इज फोर्स एंड प्रेशर एंड वी नो दैट वी हैव कंप्लीटेड द थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। और आपको ये भी पता है कि हमने चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, बट फिर भी अभी जैसे ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है तो अब हम इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है सीबीएसई एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 साइंस चैप्टर 11, ठीक है। तो आप अपनी बुक और कॉपी अगर आपके पास बुक है तो बुक अपने पास रखिए, एक कॉपी और पेन ले लीजिए। बुक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, उसको देखिए, उसके आंसर्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे तो उसको आप लिखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये चैप्टर 11 का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल 2 बताना है। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल, ऐसी सिचुएशन का जिसमें आप पुश या पुल करते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए पुश और पुल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बुक से नोट कर सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप देख लीजिए, बुक से क्वेश्चन नोट कर लीजिए और सोल्यूशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे काफ़ी बच्चों ने सोल्यूशन लिख लिया है पहले से ही, बहुत अच्छी बात है। अगर लिख लिया है, नहीं लिखा है तो उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर लिख लिया है तो आप अपनी कॉपी को लेके मैच कर लीजिए, अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है उसको आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देर आर सो मैनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ पुश एंड पुल। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पुश और पुल के रियल लाइफ के। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुश, तो पुश के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट देखिए, अ कार एट रेस्ट इज पुश्ड टू मूव विच चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई कार रेस्ट में है उसको पुश करके उसको मोशन में ले आया जाता है, ठीक है। सेकेंड देखिए, द ग्राउंड स्टाफ पुशेज अ रोलर इन द ग्राउंड टू लेबल द सरफेस। इन दिस सिचुएशन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रोलर गेट चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड स्टाफ जो है वो रोलर को सरफेस पे ग्राउंड लेबल जो सरफेस होता है, जो ग्राउंड होता है उसको लेबल करने के लिए रोलर को उस ग्राउंड पे रोल करते हैं, रोल कराते हैं, ठीक है। इस स्टेट में आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा जो फील्ड होती है जिसपे प्लेयर्स खेलते हैं वहाँ पे भी रोलर की हेल्प से ग्राउंड को लेबल किया जाता है, तो वहाँ पे रोलर को पुश किया जाता है जिससे वो मूव करता है और लेबल करता है ग्राउंड को। तो इसके स्टेट में भी यहाँ पे जो है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। थर्ड देखते हैं, अच्छा और भी ये तो आपके जो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हैं ये पुश के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुश है, यहाँ पे भी पुश है। अगर आप पुल की बात करें तो पुल में फर्स्ट कैसे पुल करते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए द डोर इज पुल टू ओपन द रूम विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द डोर। तो डोर को ओपन करने के लिए आप पुश और पुल दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुल वाले एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे पुल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड, ग्रेप इज पुल्ड फ्रॉम अ बंच ऑफ ग्रेप टू प्लक इट। तो किसी बंच ऑफ ग्रेप जो है वहाँ से ग्रेप या फिर किसी और फ्रूट के लिए भी आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे गुआवा या फिर और भी कोई है उसको आप ब्रेक करने के लिए प्लक करने के लिए उस ट्री से आप उसको पुल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विच चेंजेज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ग्रेप, तो वो रेस्ट में होता है उसको आप अपनी तरफ खींच के ब्रेक करते हैं तो जिससे उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना है बाई अप्लाइंग फोर्स, ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं बाई अप्लाइंग फोर्स। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट है, स्क्वीजिंग एन ऑरेंज चेंजेज द शेप ऑफ ऑरेंज। तो एक ऑरेंज है, उसको स्क्विच किया गया है जिससे कि उसका शेप चेंज हो जाता है। सेकेंड, अ बॉल ऑफ डो इज रोल्ड विच चेंजेज द शेप ऑफ द डो। तो यहाँ पे देख सकते हैं डो जिससे रोटी बनाते हैं आप, उसको उसका शेप चेंज किया जाता है चपाती बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर बॉल है डो का तो उसको फिर चपाती के फॉर्म में रोल करके चेंज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप फोर्स अप्लाई करके शेप को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर टू के आंसर्स लिख सकते हैं कॉपी में अपने, ठीक है। ओके, देन नाउ वी आर रेडी टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है हमारा, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू, यहाँ पे फिल करना है द रोप। तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू, तो आपको क्या लगता है क्या फिल करेंगे। आप खुद से भी कर सकते हैं बट हमें लगता है कि आप जान गए इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पे होगा पुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुल भरेंगे फर्स्ट में। तो टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल द रोप, आपको रोप को अपनी तरफ खींचना होगा। तो ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड देखते हैं, अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। तो क्या फील करेंगे यहाँ पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को जरूर कर लिया होगा क्योंकि हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और एक्टिविटी भी इस पे परफॉर्म किया है। और उस एक्टिविटी का काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर किया था और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्टिविटी भी कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा भी लगा। तो आप इसका आंसर हो जाएगा, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट, यहाँ पे आप अट्रैक्ट लिखेंगे, एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये हमने एक्टिविटी में भी देखा था। अब हम लोग जा रहे हैं सी, जो इस थर्ड क्वेश्चन का सी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सी में क्या है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। तो एक लोडेड ट्रॉली है, उसको मूव करने के लिए आप क्या करेंगे। आपके पास ऑप्शन से पुल और पुश में से, तो ऑफ कोर्स आपको पता चल गया होगा कि आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये थर्ड जो है, पुश और पुल में से आप क्या लिखेंगे, ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। अभी हम आंसर भी दिखा देंगे आपको बट कोशिश करिए खुद से ढूंढने की, आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। अगर आपको अभी हम दिखाएंगे आंसर, आप मैच करिएगा, अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, नहीं सही है उसको सही करिएगा। डी में देखिए क्या है, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट क्या कर सकता है, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होगा, तो यहाँ पे आप आंसर खुद से लिख सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी को आंसर आ गया है सभी का। तो देखते हैं आंसर्स क्या क्या है हमारे पास। सी में आपको पहले ही बताया था पुल करना होगा रोप को, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू पुल द रोप फॉर द अपवर्ड मोशन ऑफ द वाटर। तो जो भी वाटर जिस बकेट के अंदर है उसको अपनी तरफ पुल करना होगा जिससे कि वो ऊपर आ जाए बाहर आ जाए। सेकेंड देखिए, सेकेंड है, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। एक्सप्लेनेशन देखिए, अ चार्ज
चार्ज प्रॉपर्टी हैज प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। सी देखते हैं, टू मूव लोडेड ट्रॉली वी हैव टू इधर पुश और पुल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों कर सकते हैं, पुश और पुल दोनों। यहाँ पे हमने पहले ही आपको बताया था कि या तो आप पुश करेंगे या पुल करेंगे। और लास्ट जो डी है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे, टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली वी मस्ट अप्लाई सम फोर्स बाई पुशिंग और पुलिंग ऑन द लोडेड ट्रॉली, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, या फिर आप उसको देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो हमें पता है लाइक पोल्स जो होते हैं एक जैसे पोल में रिपल्सन होता है और अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्थ पोल है दोनों का, क्योंकि दोनों एक जैसे पोल होंगे तो वहाँ पे रिपल्शन होगा। और इसका यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, द सेम पोलैरिटी पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो सेम पोलैरिटी वाले जो पोल्स होते हैं वो उनमें रिपल्शन होता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर सभी को पता चल गया है, बट एक बार फिर से हम शो कर देते हैं। ये देखिए ये डी आंसर है। अगर आपके पास नहीं है आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और डी नोट कर लीजिए। अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ देखिए ए बी और सी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप इनको आसानी से अपने वर्ड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, और आसानी से समझ भी सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, सी देन रिलीजेज द एरो विच बिगन्स टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको देख के आपको इन सभी जो भी क्वेश्चंस दिए गए इनको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये क्वेश्चन एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए जो दिया हुआ है, ए है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन इट्स स्टेट, सॉरी टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाईज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। अब यहाँ पे फील करना है तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा सेप। जब स्ट्रेच करता है बो को आर्चर फोर्स अप्लाई करने के लिए तो उसका सेप जो है चेंज हो जाता है, आपने भी देखा होगा, आपने यूज़ भी किया है। बी देखिए क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आर्चर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है स्ट्रेच करने के लिए बो को, वो कौन सा फोर्स है हम ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आप एक तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक पर्टिकुलर फोर्स का नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट जो फोर्स लग रहा है वही लिखेंगे आप। तो क्या ये कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है आर्चर, यस कांटेक्ट फोर्स है। अब कांटेक्ट फोर्स में ये कौन सा फोर्स लगा रहा है वो आपको बताना होगा यहाँ पे। तो हमें लगता है कि सभी को इसका आंसर पता चल गया है, ठीक है। तो आप ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अभी हम सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो आप मैच करेंगे, क्योंकि इससे आपको भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं अभी तक, ठीक है। सी देखिए सी क्या है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स। फिर से ध्यान सुन लीजिए, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो कोई एरो है
उसके जो स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज आ रहा है वो किसी फोर्स की वजह से है, तो वो कौन से टाइप के फोर्स का एग्जांपल हुआ, ठीक है। और डी है, व्हाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू एंड ड्यू टू ऑफ एयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब कोई एरो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है तो उस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं आर ड्यू टू एंड दैट ड्यू टू, यहाँ पे दो बार फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों में फिल करना है। तो हमें लगता है कि आप सभी ने आंसर को ढूंढ लिया होगा, यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से यहाँ पे आंसर्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या फिल करेंगे, आप इनमें से ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे सेप, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, द फोर्स अप्लाइड बाई द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ढूंढिए क्या ये मस्कुलर फोर्स होगा, क्या कॉन्टैक्ट होगा, क्या नॉन कॉन्टैक्ट होगा, ग्रेविटी होगा, फ्रिक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मस्कुलर फोर्स लिखेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपने ढूंढ लिया है। फिर देखते हैं, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे आप ढूंढिए और जो भी आपको लगता है उसको आप लिख लीजिए कॉपी में। अब हम आपको सामने आंसर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है टू स्ट्रेच द बो, द आर्चर अप्लाई फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन इट्स शेप। तो ये जो भी आर्चर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो शेप चेंज कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप क्यों होगा ऐसा। व्हेन बो इज स्ट्रेच्ड मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन एक्ट्स एंड विच चेंजेस द शेप। तो यहाँ पे जो मस्कुलर फोर्स लगा था आर्चर ने, जो मस्कुलर फोर्स लगाया उसकी हेल्प से यहाँ पे ये इसका शेप चेंज हो गया। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया एक्सप्लेनेशन के साथ। बी देखिए, बी क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाई द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो ये एक मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हुआ जो कि आर्चर बो पे अप्लाई कर रहा है उसके शेप को चेंज करने के लिए। अब देखते हैं मस्कुलर फोर्स हेल्प द आर्चर टू स्ट्रेच द बो। तो यहाँ पे जो मसल की हेल्प से, अपने हैंड्स की हेल्प से अप्लाई कर रहा है और वो जो है वो फोर्स जो बो है उसकी स्ट्रेच, उसके शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। थर्ड देखिए सी क्या है, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देख सकते हैं ये जो द टाइप ऑफ फोर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब कैसे है देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स चेंजेज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो जो स्टेट ऑफ मोशन एरो का है उसको चेंज करता है यहाँ पे। और लास्ट जो है डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो डी को देखिए आप, व्हाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, जब कोई एरो अपने टारगेट की तरफ जाता है तो उस पे दो फोर्स लगते हैं। फर्स्ट क्या है, एक फोर्स है ग्रेविटी का, जो ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। और सेकेंड है फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन, एयर जो उसको, जो एरो है उसके मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेज हैं जो लग रहे हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहें आप तो यहाँ देख सकते हैं, एज आर्चर रिलीज द एरो फ्रिक्शन फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द एरो। तो एरो के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं और ये यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार आपको सारे आंसर दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में जो है आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये जो है, यहाँ पे सारे आंसर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए सारे आंसर्स। अगर आपने लिख लिए हैं दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख लीजिए।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट। तो स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्ट स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो फर्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। सेकेंड, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ऑफ द ट्यूब। थर्ड देखते हैं, सी ए अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। ये सी क्वेश्चन है। और डी यहाँ पे दिया हुआ है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट सर्टेन हाइट। तो ये फोर क्वेश्चंस ए बी सी डी हैं यहाँ पे, इनके आंसर्स हमें लिखने हैं। इनके आंसर देखिए यहाँ पे, और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और आप साथ में नोट भी करते रहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट है, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड बाय फिंगर्स ऑन द लेमन टू स्क्वीज इट टू एक्सट्रैक्ट द जूस। मस्कुलर फोर्स चेंजेज द शेप ऑफ द लेमन। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आंसर। यहाँ देखिए फर्स्ट का आंसर है, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड बाय फिंगर ऑन द लेमन टू स्क्वीज इट टू एक्सट्रैक्ट द जूस। मस्कुलर फोर्स चेंजेज द शेप ऑफ द लेमन। तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स का, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं लेमन को स्क्वीज करके, जिससे कि उसका जूस बाहर निकालते हैं, और मस्कुलर फोर्स क्या करता है, इसके शेप को भी चेंज कर देता है, जो लेमन का शेप है। बी देखिए, बी क्या है, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब टू एक्सट्रैक्ट द पेस्ट फ्रॉम द ट्यूब। मस्कुलर फोर्स चेंजेज द शेप ऑफ द टूथपेस्ट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपके सामने आंसर क्लियर है। ये सारे आंसर्स ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हैं, तो आप इसको ट्राई करिए खुद से, और पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही हैं। एंड यू पीपल कैन राइट द आंसर्स बाई योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, आप आसानी से अपने वर्ड में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, सी देखिए, द स्प्रिंग गॉट एक्सटेंडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सस्पेंडेड लोड विच चेंजेज द शेप ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो स्प्रिंग है वो सस्पेंड हो जाती है, मतलब वो एक्सटेंड हो जाती है जब उसको सस्पेंड करते हैं और उससे किसी लोड को अटैच कर देते हैं। ठीक है, डी देखिए, एथलीट एग्जर्ट मस्कुलर फोर्स ऑन ग्राउंड बाई हिज फीट विच हेल्प टू जम्प द बार एंड इट चेंजेज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो एथलीट होते हैं वो मस्कुलर फोर्स एग्जर्ट करते हैं ग्राउंड पे अपने फीट की हेल्प से, जब उस पर हिट करते हैं और जंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एथलीट जब जंप करने की कोशिश करता है तो अपने पैरों से ग्राउंड पे क्या करता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है। आप भी इस एक्टिविटी को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, आप भी जंप करके देख सकते हैं कि आप कैसे मस्कुलर फोर्स आप अप्लाई करते हैं ग्राउंड पे, और फिर वो आपको हेल्प करता है जंप करने में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में, तो आप इन सारे आंसर्स को यहाँ पे फिर से क्लियर देख सकते हैं, और आप इन सभी को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन बुक में नहीं है तो आप के पास बुक नहीं है तो आपके पास ज़रूरी सॉफ्ट कॉपी होगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को उसके बाद हम थोड़ी नेक्स्ट आपको सी और डी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सी और डी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, सी और डी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब देखिए आप यहाँ पे सल्यूशन दिख रहा है सारे क्वेश्चंस का, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो आई होप कि आप सभी चीज़ों को कर पा रहे हैं इजीली। तो ये सारी चीज़ें आप कर ले रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो बोलना है कि एक ब्लैक स्मिथ है जो कि हॉट आयरन पीस जो है उसको हिट कर रहा है, हैमर कर रहा है। हैमर में जानते हैं आप, एक हथौड़े से किसी चीज़ को पीटना, उसी को हैमर बोलते हैं। तो एक ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस, हथौड़े से किसी आयरन के हार्ट पीस जो है, हॉट आयरन है, उसको उस पर हैमर से हिट कर रहा है, उसी को हैमर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए पहले। एक ब्लैक स्मिथ है जो कि आयरन के हॉट पीस को हथौड़े से हिट करके टूल बना रहा है, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन है, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। जो फोर्स है वो कैसे आयरन पीस को इफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है। When a blacksmith hammers a hot piece of iron, he or she exerts muscular force. तो वो muscular force exert करता है while hammering. जब वो hammering करता है तो वो muscular force use करता है या apply करता है बोल सकते हैं. Due to that muscular force, उसी muscular force की वजह से shape of iron piece could be changed. जो आयरन पीस का सेप है वो चेंज हो पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब ब्लैक स्मिथ जो है वो हैमर करता है किसी हॉट पीस के आयरन को, तो वो क्या करता है, वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है हॉट पीस पे। और जब वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करता है तो वो क्या होता है, उस आयरन पीस का सेप उसकी वजह से चेंज हो जाता है। तो ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमें उम्मीद है कि सभी ने इसका आंसर सही सही लिख लिया था। वैसे आप सभी ने आंसर्स पहले से ही डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी लोगों ने आंसर सही सही लिखा भी है, बट हमने इसलिए ये यहाँ पे वीडियो बनाया है ताकि अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो या फिर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कंप्लीट हो पाया हो तो वो यहाँ पे देख के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर और क्वेश्चन आपके सामने अभी हम कर देते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दिख रहे हैं, ये है क्वेश्चन और ये उसका आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि कैसे जो ब्लैक स्मिथ है वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है और आयरन पीस का सेप चेंज कर रहा है, या आप बोल सकते हैं कि जो भी वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें वो मस्कुलर फोर्स यूज़ करके जो भी आयरन उसके जो सेप होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग आज यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, नहीं लिख पाया हो, तो वो बोल सकता है, वो डिस्कस कर सकता है क्वेश्चन को, या कोई क्वेश्चन आपको अभी भी लग रहा है कि डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें ऑनलाइन क्लास में जब हम ज्वाइन होते हैं वहाँ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ओके। सो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपना, आपने थियोरेटिकल पोर्शन लिख लिया है और इन क्वेश्चन आंसर्स को भी उसी कॉपी में लिख लीजिए उसके आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको हेल्प भी करेंगे एग्जाम्स में। इन क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, ओके।
So thank you for watching this session, and we will continue with the question and answer in next session. Thank you.